राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी जस्ट नहा धो के आया हूँ। कल शाम को कपड़े हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पसीने के, इनको धोया, अभी सूख चुके हैं, तब जाके बनियान उतार के अभी टी शर्ट डाली है। तो अभी खाने का टाइम है भाई। खाने में आज देखो कि रोटी है, इसके अलावा भिंडी की सब्ज़ी, नमकीन प्लस प्याज, और ये दही है भाई, ये घर का दही, इसका टेस्ट खतरनाक ही होता है। इसको देख के मत हंसना भाई, आपको पता है मैं हर वीडियो में यही होता है अपने। तो खैर, गांव में देसी जब बर्तन नहीं मिलता तो बड़े बड़े कटोरा भगवानी से काम चलाते हैं। प्याज पूज तो काफ़ी सारे हुए थे घर में, खाट वाट बिछा रखी है, ये देखो ये काफ़ी सारे। ऐसा है इनको बिखरा इसलिए रखा खाट पे ताकि सड़े नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे प्याज जाते हैं, गीले हो जाते हैं तो जल्दी सड़ जाते हैं। तो इनको हवा में पंखा चलाते हैं, इनके लिए हम डेली पंखा चला रखा है ताकि सूख रहे। और जिस पे बिछा रखा है उसको बोलते हैं खाट, लेकिन वो खाट नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, उनकी साइज जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा लार्ज है, बोल तो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए उसको बोलते हैं माचा। हमारी साइड जो छोटी होती है उसको खाट, जो बड़ी होती है उसको माचा, कहने का मतलब ये है। दोपहर के 12:30 बज गए, ऐसा था मैं सो गया था थोड़ा सा, तो उठा ही हूँ अभी जस्ट। कल किसी ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसका जवाब सीन ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ घर दूर दूर क्यों होते हैं, मतलब जैसे कि एक घर है फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच गया, फिर कोई घर नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा दूर घर है, तो ये क्या सीन है। तो भाई गाँव में अक्सर ऐसा होता है, वो कहते हैं ना ननद भौजाइयों वाली लड़ाई, दो रानी जिठानी वाली लड़ाई, मतलब लेडीज़ वगैरह आपस में लड़ाई होती रहती है, जिस वजह से आदमी सुख शांति की वजह से या पर कई सारी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की वजह से आदमी बस्ती छोड़ के खेतों में आके बस गया। इसलिए एक जगह का स्पेस थोड़ा बच गया, इसलिए मतलब थोड़ा खेतों में आके बस गया, इसलिए मतलब एक साथ नहीं रहते, मतलब ये सीन है। आपको पता है हालांकि गाँव में नहीं, हर जगह आजकल लड़ाई वड़ाई का सीन है, और कुछ सुख सुविधा भी होती है, थोड़ी बसने की जगह भी चाहती होती है थोड़ी बड़ी, तो खेत में आके वो फार्म हाउस जैसा कुछ बना लेते हैं। जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, हर जगह थोड़े दूर दूर घर है, जैसे कि एक घर वहाँ है, फिर इधर देखो कितनी जगह बच गई, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब कि इस टाइप से हर घरों में एक मिनिमम में दूरी है, मतलब समथिंग 300-200 मीटर की। ये सारे के सारे घर मतलब खेतों में बसे हुए भाई, सारे के सारे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है गांव में आपसी लड़ाई झगड़े की, बसने की वजह से लोग दूर दूर जाके बस जाते हैं, और फिर उनका हो जाता है रहवाड़ा बसाड़ा, कि जैसे कि प्लॉट कटवा ली भाई, जैसे खेत में जाके बस गए, तो उस तरह का होता है, मतलब एक पूरा खेत होता है वहाँ जाके घर बना लेते हैं, पूरा मतलब फार्म हाउस जैसा बन जाता है और लग्जरी लाइफ जीते हैं फिर वो आराम से बिंदास। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा घर घर दूर दूर रहने का। बाकी शहरों में आपको पता है जगह की थोड़ी कमी होती है, इसलिए बिचा बिची में रह लेते हैं, ज़िंदगी काट लेते हैं, और कुछ नहीं है बस यही। तो ये जो चीज़ होती है इसमें गाय भैंसे वगैरह पानी पीते हैं, कई बार बकरी आके पी जाती, तो जानवरों के लिए होती है मतलब स्पेशल चीज़, जिसको हमारी साइड बोलते हैं प्याऊ या खेड़। मुझे ये चीज़ भी ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कि ये यूनिक सी चीज़ें मुझे भी आप सभी से सीखने को मिलती है। जैसे उधर की साइड से वो भैंस वगैरह आ रही है, तो अभी वो प्यासी है, और प्यासी यहीं आके पानी पियेंगे, देखो चलते फिरते आ रही है। गाँव के नज़ारे है ही कुछ स्पेशल चीज़ यार, तो वहाँ से प्यासी व्यासी आएंगी और यहीं आके पानी पियेंगी भाई इस जगह पर। पहले भी आप लोगों को बताया था, दरअसल आप लोगों के कमेंट करके जो मैं पूछता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो उस कमेंट करने का रीज़न ये हो जाता है कि मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपके यहाँ उस चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे मैं बताऊँ अभी इसको प्याऊ बोलते हैं, आपकी साइड खेड़ बोलते हैं, तो बहुत सी जगह इसका कुछ और भी नाम हो सकता है, तो वो मुझे कमेंट करके बताया करो ताकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकूँ। तो ये कुछ है, आपस का तालमेल बना रहना चाहिए, तो कमेंट करके बता दिया करो भाई। गाँव में इन दिनों फसल वगैरह कटाई शुरू कर दिया, देखो सामने की साइड एक और अच्छा जुगाड़ शुरू कर दिया लोगों ने, कि ट्रैक्टर के जस्ट सामने लगा दिया भाई पिकअप को, तो डायरेक्ट जो नाज वगैरह होता है वो सीधा पिकअप में आ जाएगा इससे। ये काफ़ी कमाल की चीज़ दिखाई इन्होंने यार। इन दिनों हर जगह बाजरे की फसल ऑलमोस्ट तैयार है, बहुत सी जगह कटपिट के तैयार भी है, घर में आ गए तो अब बाजरे की रोटी बनेगी सर्दियों में, और बाजरे की रोटी, दही, सरसों के साग, मतलब दिन आ रहे हैं लग्जरी गाँव के। स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई किस दिन सरसों के साग और बाजरे की रोटी के ऊपर। अभी तो खैर बाजरे हो रहे हैं हमारे तैयार, बहुत जल्दी हो जाएंगे 2-4-5 दिन में, तो मशीनें चल चुकी है तो जल्दी हो जाएगा काम। ऐसा है बरसात का मौसम हो रहा है, चारों तरफ कभी बरसात आ सकती है भाई,
इसलिए हम जाते हैं खेत में। खेत में ऐसा है कि बाजरे काट चुके हमारे, कटने के बाद उनको चौंट दिया, मतलब बाल वाल अलग कर दी, तो उन बालों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं ताकि बरसात में भीग ना जाए, भीग गए तो नुकसान हो जाएगा। तो चलो चलते हैं खेत में, जाके दिखाते हैं भाई बालों को कैसे इकट्ठा करते हैं। तो भाई पहुँचते हैं खेत में, ये देखो साइड में जो उग रही है ना, ये है भाई ग्वार की फली। तो ऐसा होता है कि ग्वार की फसल है, इन दिनों यहाँ से तोड़ के भाई सब्जी वगैरह भी बना लेते हैं, बाकी जब ये पक जाती है तो इसे इको मार्केट में भेज देते हैं। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है यूनिक सा, ग्वार की फली की सब्जी मार्केट में काफ़ी महंगी है और ग्वार तो वैसे ही महंगी होती है। खैर तो ये कॉमर्शियल खेती के रूप में आ जाती है बाजरे वगैरह के साथ में, इनको इन दिनों बोते ही बोते हैं। तो सामने की साइड ये हमारा ही खेत है जहाँ पे देखो कड़बी लगा दी है, मतलब चारों तरफ से इकट्ठी कर करके, और कुछ खेतों में काम बाकी है जहाँ पे जाके हमको काम करना है। तो सामने की साइड मान लो बरसात की वजह से छिपा दिया गया है बालों को इकट्ठा करके एक खेत में, तो दूसरे खेत में चलते हैं जहाँ पे हमको ये सब इकट्ठा करना है। ये देखो बरसात की वजह से इतना ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ता है, तिरपाल बिछा के इनको दुबाना पड़ता है ताकि बरसात ना आए, बरसात आए तो ये भीगे नहीं, क्योंकि भीग गई तो मान लो पूरी फसल खराब। तो ये है बाल जो मान लो बाजरे को जैसे काटते हैं तो उसी जगह पर उनको चौंट छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ से इकट्ठी करनी है और इकट्ठी करके एक जगह पहुँचानी है ताकि वहाँ से उनकी कटाई करवा सकें, नहीं तो फिर अलग अलग जगह कैसे कटवाएं। तो करो मैदान में खेल शुरू। परिवार का हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आदमी ऐसे गाँव में हिस्सेदारी निभाता है, जिससे जितना कुछ हो पाता है, कोई बड़े बर्तन में कोई छोटे बर्तन में, लेकिन सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी होती है। तो ये मेरी बहन है भाई निर्मा, इनके गांव में वो भी मैं कालवान से किराया, कल बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे इस जगह का नाम भाई कालवान। बारिश आने वाली है वैसे थोड़ी देर में, लेकिन एक चीज़ दिख गई खतरनाक वाली। नर्मा तो पता होता पहले अपन यही के हमारे जावे, मैं तो बाल सकल में देखो यार आप मुठ में लगी देख हमारी साइड भाई इसको हरिया बोलते हैं, इनके यहाँ बोलते हैं आर्यो और खीरा भी बोलते हैं बहुत सी जगह, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये चीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो ये चीज़ यूनिक सी मिलेगी मुझे पता है हर जगह। चाहे मत हेरे मत हेरे, जल्दी बाल भर दो, तो बाल भर बेटा आ जाते जल्दी जल्दी, बारिश आने वाली जल्दी जल्दी, बाद में दिखाएंगे सब कुछ जल्दी 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 जल्दी। हाँ वैसे भी खड़ी जाओ बेटा, जल्दी कर जल्दी कर, मोटर चाहो। हाँ तो भाई ऐसे मेहनत कर करके सारा काम कंप्लीट हो गया, अभी मारो लास्ट 10-1 कूड़ा और बच रहे बस ये, नहीं तो बरसात आने वाली थी और एक बार भीग गया तो भीग गया, फिर 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ता। तो भाई ये सारी जिम्मेदारी किसानों की बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ, बरसात के आने से पहले पहले हो गया हमारा सारा कंप्लीट, इतनी ज़्यादा भागदड़ थी कि पूछो मत, बस मतलब सबके सब लग गए तो जल्दी से हो गया। ये देखो भाई मौसम भाई हंस रही है, गाँव में वीडियो बनाना आपको पता है एकदम ऐसा होता है एकदम कतई फालतू पागलपंती। तो ये कंप्लीट हो गया बरसात के आने से पहले पहले, अब ये है कि बच जाएंगी नहीं तो गई, हाँसी आ रही तगड़ी वाली है, हाँसी नहीं रुक रही भाई आगे, हाँसी नॉट हंसी, हाँसी देख लाज कर ली शर्म के मारे, हाओ देखा हाँसी का, मैं तो बेशरम आदमी तो पता है। ये मान लो यार आज बरसात जाती तो बहुत सारा नुकसान हो जाता, तो इसलिए सबके सब आ गए और जल्दी से हो गया काम। अगर बरसात जाती तो ये मान लो कि बाल दोबारा बाजरे को जाते हैं इनमें से, और ये किसी काम की नहीं होती, तो कम से कम काम हो तो गया, अब बच गए मतलब मान लो प्राण, नहीं तो बाजरे आपको पता है किसानों के घाटे और कैसे जाते हैं, गलत टाइम पर बरसात का जाना, गलत टाइम पर पता नहीं कब क्या क्या हो जाना रहा। तो भाई घर भर आ गए, पसीने वसीने तर तर हो रहे, लेकिन पसीने में कभी भी थकार के आओ, पसीने बहुत ज़्यादा हो तो कभी पानी नहीं पीना चाहिए, पहले पसीने सुखाने चाहिए। तो भी इकट्ठे करके आ गए, लेकिन आज ही उनको कुटवाना है ताकि फ्री हो जाए, तो चलते हैं खेत में आज बालों को कुटवा लेते हैं, मशीन वसीन आ चुकी है थ्रेशर। तो भाई चल दिए घर के बच्चे बच्चे अलग अलग बर्तन लेके, किसी के पास परात, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, चलो जल्दी चलो। हाँ जी तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, थ्रेशर आ चुकी है जस्ट लगा, काम पे ध्यान दे, तो करते हैं जल्दी जल्दी सब खेल, लग जाओ काम पे, लग जाओ जल्दी।
तो भाई ट्रैक्टर आ गया आज ही, और आज ही खेत वेत को कटवा लेते हैं जल्दी से, काम भरी हो जाएगा क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है, तो रिस्क नहीं लेना। हाँ धर्मा तैयार है, आ जाओ तो करो छेल चालू करो। चलो चलो चलो, तुम एक साइड खड़े हो जाओ, सब भर के आ गए, ले ले बर्तन परात और जाने काय काय। दीपिका एक केदर बच रहा है, तो पूरे 2 घंटे और सबकी शकल पे 12 बज चुके पसीने वसीने, हाँ हाँ मतलब भयंकर। ये देखो ये देखो सबकी शकल कैसी हुई काली काली 2 घंटे हो गए समथिंग लगातार कुटते हुए, और फाइनली इतना सा बाजरा हुआ। देखो ये शाम को 6 बज चुके हैं, और ये मान लो कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई आज, तो निकलते हैं घर पे उठा के परात वरात, अभी तो ये सब घर ले जाना, अभी तो उठा के कट्टे वट्टे में पैक करेंगे तब जाके पहुँचेंगे। कि पहले हम भी ऐसे कंधे बैठ के जाया करते थे, मेरे फादर साहब ले जाया करते थे खेत से, तो काम कंप्लीट हो गया। ऊपर से बैठा है इस टाइम मेरा भांजा है, नाम बता बेटा आपका नाम क्या है? हिमांशु। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गांव के लोगों का रूटीन कुछ इस तरह के सी होता है, जैसे अभी बाजरे की फसल थी, बाजरे की फसल अब कट चुकी है बहुत सी जगह, कई जगह कट रही है, तो कटते करते बहुत जल्दी हो जाएगा काम कंप्लीट। फिर मतलब सर्दियों के दिनों में बाजरे की रोटी खाई जाएगी, क्योंकि बाजरे की रोटी थोड़ी सी गर्मी देती है बॉडी के अंदर, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम देती है, तो ये फसल खासकर सर्दियों की वजह से ही बोई जाती है। और बड़ी बात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑप्शनल है गाँव को पलायन कर रहे हैं, तो उनसे मेरी निवेदन है, आप चाहे कुछ भी बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी, लेकिन हर चीज़ में अपने गांव और क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करें, यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए लोग, और वीडियो को आप लोग लाइक करते नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो, भाई ये गलत बात है मतलब बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।